जी नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे पहला मिशनरी कौन था और कहां से आया था। भारत में पहला मिशनरी जो आया उसका नाम बर्थोलोमस ज़ीगन बल्ग था, जिसका तल्लुक जर्मनी से था और वो 10 जुलाई 1682 को पैदा हुए और 20 फरवरी 1719 को खुदावन में सो गए। जर्मनी में पैदा होने वाले बर्थोलोमस ने भारत में इंजील की मुनादी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। वो 12 मई 1707 को ट्रेन क्यूबर फोर्ट पहली बार आए। सबसे पहले उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भारत के लिए काम किया और उसी प्रिंटिंग प्रेस से नए अहदनामा को छापा गया और पहला बपतिस्मा तमिलनाडु में एक जगह आज जिसको धरकम पाड़ी कहते हैं वहां दिया गया और यहां से लोथरन मिशन का आगाज़ हुआ।